हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी रुके हैं होटल कोलीर्स में। बहुत डरा लिया हमको और नहीं डरने। और आज के एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूँ तो आप जितनी जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हो ना तो वहाँ पे पहुँच लो। डायरेक्टली घुसा देते हैं लाइन वगैरह में, वो सब कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे करप्शन। मैंने अभी तक बताया नहीं ना आपको कहाँ पे हम जा रहे हैं। यस, तो कल हम बताएंगे। पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया था, इसलिए श्रीनगर पहुंचने से पहले हमने टी और स्नैक्स ले लिए। भावना निकल के आएगी। एक टीचर का म्यूजिक आ रहा है यार। देखो भावना आ गई। दादा सुना नहीं आती मार्केट मार्केट। फ्रूट्स काफी अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर। तो भैया जी, हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी रुके हैं होटल कोलीर्स में। और काफी अच्छा होटल है, मतलब पूरा, मतलब नीचे अच्छे से गार्डन भी है और दो रूम भी है, थर्ड थ्री बेड्स वाला और एक बेड वाला। तो एक बेड वाले में मैं अकेले, मतलब दो बेड वाला, तो दो बेड वाले में मैं सेटल हो रही हूँ अकेले। और ये वाला बैग मेरे रूम में रख देना। और ये इनका कमरा है, तीन बेड है, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत डरा लिया हमको और नहीं डर गया। लास्ट टाइम जो मैं चादर आया था ना, तो उस समय भी काफी लेकर गया था वहाँ पे, वो खाना वो किचन के अंदर 6-7 लड़के थे। एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। Good. So finally, we are settling the room. Settling down. Yeah. You know. Still settling down. कुछ भी छोड़ो यार, I can see. हाँ, I can see. मतलब मेरे को वो क्या दादा के साथ में सुना? अपने रूम में वही है। चलो भाई, गुड इवनिंग। और अभी डे वन का 8:30 बजे है और मैं रूम में यहाँ पहुंच चुकी हूँ। इस होटल ये डाल लेके वहाँ पे ये होटल, और अभी तो सारे चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब लगा दिए, मोबाइल चार्ज करने का, ये कैमरा की बैटरी चार्ज करने के लिए रख दिए। और अभी 8:30 बजे हम निकलेंगे, उन लोगों का कमरा बाजू में ही है तो 8:30 बजे हमने डिसाइड किया था, तो निकलेंगे डिनर करने के लिए। और उसके बाद हम जाएंगे डल जेल पे,
जो यहाँ पास ही में डल लेक, तो वहां से घूमते घूमते मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा पचाना भी तो पड़ता है, तो वहां पे जाएंगे और फिर वापसी होटल आएंगे, तो थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, इवनिंग वॉक। तो रात का नज़ारा भी अच्छा है। अभी रात में ये कैमरा से मैं सही से शूट नहीं कर पाऊंगी, तो लेकिन फिर भी ट्राई करूंगी। मोबाइल तो है ही वैसे, मोबाइल में लेकिन स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं ज़्यादा मोबाइल से शूट नहीं करती हूँ, लेकिन अभी कर लेंगे जो भी होगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी थकान, एक घंटे पहले ही आए हम, 7:30 बजे आ गए थे रूम में, तो थोड़ा आराम भी कर लिया। और अच्छा खासा रूम है, मतलब यहाँ पे मतलब 2 सीट है बैठने के लिए, टीवी भी है, और ये पूरा कमरा मेरे लिए है ऐसे। हालांकि मैंने उनको बोला कि किसी को आना हो तो आ जाओ। और ये बाथरूम और टॉयलेट है। यहाँ पे दिक्कत ये है, ये मुझे चार्जिंग मोबाइल का तो मिल गया, लेकिन ये वाला चार्जिंग दूसरी साइड चल नहीं रहा है, सो वो भी तो करेंगे, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, मतलब जब तक मैं हम डिनर करके आते हैं, वॉक करके आते हैं, तब तक तो वो कैमरा की बैटरी, और मैंने यूज़ किया था पावर बैंक मोबाइल चार्ज करने के लिए, क्योंकि मैं कल रात से निकली हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ी थी मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो वो मैंने चार्ज कर लिया है। तो अभी चलो देखते हैं, अभी वो लोग उठे मतलब हिल डुल रहे हैं या नहीं, वो देख लेते हैं। और होटल का नज़ारा बाहर बहुत ही बढ़िया है, मतलब तो दरवाजा खखड़ा है। क्या हाल चाल? ठीक है, चलो भाई 5 मिनट में वो बोल रहे हैं, तो रेडी तो हो गए हम। और मेरा कमरा है 411, फ्रेश तो हो गए हैं, 5 मिनट के बाद जाने के लिए बोल रहे हैं, 5 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट मोबाइल थोड़ा चार्ज कर लेंगे। ये अच्छा है, मतलब मेरा मोबाइल रियलमी है तो फटाफट से चार्ज हो जाता है, 1 घंटे में तो पूरा 100% चार्ज हो जाता है। और अभी तो नए आए हैं, मेरा फ़ोन तो काफ़ी मतलब पुराना हो चुका है, लेकिन अभी के फ़ोन तो आधे घंटे में ही चार्ज हो जाते हैं, तो अच्छी बात है मतलब। चलिए तो हाँ, मैम मिलते हैं लंच पे, सब लोग इकट्ठा हुए तब। और आज के एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूँ तो हमने अच्छे खासा मतलब जो लाइनें वगैरह थी वो थोड़ी थोड़ी स्किप हमने की, तो हम पहुँच गए थे 1-1:30 बजे तक, तो वहाँ पे पहुँच गए थे, फर्स्ट फेज पे तो ऑलरेडी पहुँच गए थे। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा लाइनें थी क्योंकि सेकेंड फेज पे थोड़ा स्लो रोप वे चल रहा था, काफ़ी ऊँची ढलान थी, तो मैंने शूट तो किया है, आपको भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पे हमें स्नो मिला जो गिरा हुआ था ऑलरेडी, प्लस स्नोफॉल भी हुई है, तो उसका ज़्यादा वीडियो लिया नहीं क्योंकि मेरे शूज़ एक्चुअली मैंने ट्रैकिंग शूज़ नहीं पहने थे, तो वॉकिंग शूज़ ही है नॉर्मली, मैंने कहा ज़रूरत तो है नहीं, तो मैंने मतलब स्लिप हो रहे थे बार बार इन तीनों का, तो खैर वो शूज़ ऐसे प्रॉपर लेके आए हैं, मतलब ट्रैकिंग वाले शूज़ लेके आए हैं, तो ज़्यादा स्लिपरी नहीं रहा था, लेकिन मेरे थोड़े हैं तो फिर भी मैं कहीं पे गिरी नहीं। फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग गिर रहे थे लेकिन मैं गिरी नहीं कहीं पे, थोड़ा मैंने बैठ के भी स्लाइड कर लिया, लेकिन पूरा बैठ के नहीं, सिर्फ पैरों पे बैठ के वैसे स्लाइड कर लिया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी सजेशन मानो तो आप, ये 8 बजे 8:30 बजे शुरू हो जाता है,
गंडोला का, तो आप जितनी जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हो ना तो वहाँ पे पहुँच लो, क्योंकि वहाँ पे अगर ऑनलाइन भी आपने टिकट बुक करवाई है ना, फिर भी है ना आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और काफी टाइम चला जाता है। मतलब हम वहाँ पे पहुँचे थे करीबन 11:30 बजे पहुँचे थे, फिर पार्किंग से वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है वो, फिर आपको वॉक करके जाना पड़ेगा या तो फिर घोड़ा आप ले सकते हो तो ले सकते हो। वैसे पास ही में एक ज़्यादा इतना मतलब हैक्टिक नहीं है, मतलब कोई चल नहीं सकता। हाँ बड़े बुजुर्ग हो तो शायद उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन रास्ता स्ट्रेट ही है, मतलब रोड ही है पूरा, तो आप चल के वहाँ पे जा सकते हो। फिर वहाँ पे लाइनें लगती है और फिर ऊपर फर्स्ट प्रेस में जाके फिर वहाँ से फिर से सेकंड प्रेस के लिए भी लाइनें लगती है। तो मेरी बात मानो, आप जितना जल्दी हो सकते हो ना उतना जल्दी आप गुलमोहर पहुँच जाओ तो आपका सही से हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन बीच में वो एजेंट वगैरह मिलते हैं, मतलब फ्रॉड्स काफ़ी, मतलब वो लोग पैसे ले लेते हैं, मतलब काम तो कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा पैसे मांगते हैं, फिर वो आपको डायरेक्टली घुसा देते हैं लाइन वगैरह में। वो सब कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे करप्शन अभी भी यहाँ पे ठीक से प्रॉपर वे में हो नहीं रहा है। मैनेजमेंट यहाँ का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करें ना तो काफ़ी अच्छे, मतलब टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा है और टूरिज्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मैं 10 साल पहले मैं मॉम डैड के साथ आई थी, तभी भी वही मैनेजमेंट था। अभी आज मैं जाके आई ना तो मुझे लगा कि ठीक अच्छा है कि 10 साल पहले मेरी मम्मी और मेरे पापा ऊपर नहीं आए थे, क्योंकि ऊपर काफ़ी वेदर खराब था। हम जब यहाँ पे पहुँचे थे तब वेदर क्लियर था, मतलब धूप निकली हुई थी, लेकिन जब मैं मम्मी पापा के साथ आई थी ना यहाँ पे गुलमर्ग में, तो बहुत मतलब नवंबर का महीना था, ठंडी शुरू हो चुकी थी और वहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ था, तो ऊपर का सेकंड प्रेस तो बंद भी हो गया था, तो फर्स्ट प्रेस ही था। लेकिन फिर ठीक है, अभी जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो क्या कहा जाता है ना, तो अच्छा हुआ उस टाइम पे हम ऊपर जा नहीं पाए, क्योंकि पापा को थोड़ी दिक्कत होती, मम्मी को ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ठीक है हो गया। अभी चलो तो अभी तो मिलते हैं, थकान हो रही है लेकिन इतनी नहीं, मैं काफ़ी एक्साइटेड मतलब फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 4 दिन की यात्रा हो गई, फिर ऑफिस का काम भी बहुत सारे थे, तो जो एक्साइटमेंट थी ना वो, ये मैंने अभी तक बताया नहीं ना आपको कहाँ पे हम जा रहे हैं। यस, तो कल हम बताएंगे, कल अभी हम श्रीनगर में ही हैं, आज तो हम गुलमर्ग कर लिया, अभी कल श्रीनगर के लोकल साइट सीट करेंगे और उसके बाद मैं आपको मेरा जो अपना प्लान है ओरिजिनल वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये तो हम एक दिन एक्स्ट्रा आए थे, क्योंकि यहाँ पे हमें आना ही था श्रीनगर में, तो हम सब ने गुलमर्ग देखा नहीं था, प्लस मतलब गंडोला में मैं नहीं बैठी थी, गुलमर्ग तक तो मैं जाके आई थी, तो सोचा चलो अभी जा ही रहे तो एक दिन एक्स्ट्रा, और वो भी आज भी संडे ही है, मतलब 5th जून है, तो फिर संडे के टाइम पे अच्छे से विजिट हो जाए। थोड़ी भीड़ थी लेकिन ठीक है, आराम से हो गया, तो नो प्रॉब्लम। तो अभी हम चलते हैं डिनर के लिए और फिर सो जाएंगे, मतलब चलिए। 2 hours later डिनर हम करके ही आए हैं, जस्ट डिनर काफ़ी टेस्टी था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। मैंने सोचा था एक टाइम लैप्स ले लूँगी, लेकिन काफ़ी टेस्टी था और हमारा प्रॉपर ये फर्स्ट डिनर था, मतलब प्रॉपर हमने खाना खाया पहली बार जब से ट्रिप शुरू हुई तब से, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया। और फिर उसके बाद हम डाल लेक पे चले गए, वहाँ पे थोड़े वॉक किया, इवनिंग वॉक, काफ़ी अच्छे फोटोज़ आए हैं, जैसे कि आप मैंने अभी रखे हैं, वो देखिए कितनी खूबसूरत दिख रहा है रात के नज़ारे में डाल लेक। और मैंने वहाँ पे एक कश्मीर की बस भी देखी जो साइट सीन करवाती हैं, अभी पता नहीं, हमने वहाँ पे तकरीबन 15 मिनट तक वहाँ पे वॉक कर रहे थे, लेकिन बस वहाँ की वहाँ ही थी, तो शायद दिन में ज़्यादा चलती होगी, तो वो आप चेक कर लेना अगर आपको वो बस में, वो ओपन एयर बस है, जैसे कि मुंबई में है, लंदन में है, वैसी ही बस यहाँ पे भी है जो मैंने देखी, मैंने फ़ोटो भी लिए। और हम वहाँ से फिर चलते हुए वापसी आ गए अपने होटल में, और अभी बजे हैं 10:45 बजे हैं, तो मैं अभी सोने जा रही हूँ, काफ़ी लंबा दिन रहा और काफ़ी मज़ा भी आया, लेकिन गुलमर्ग जाके आए, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ और फोटोज़ लिए हैं, तो वो तो आपने अभी तक देख ही लिए होंगे, तो
चलिए तो ये दिन हम यहीं पे खत्म करते हैं, डे वन हमारा यहीं पे खत्म कर होता है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में डे टू के वीडियोस के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज द वर्ल्ड इज हियर टू एक्सप्लोर।